हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट एंड उसके एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में अपन ने कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड देख लिया था कि किस पे प्लस आई इफेक्ट आएगा, किस पे माइनस आई इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, या एसिडिक स्ट्रेंथ पे उस पर क्या इफेक्ट आएगा, वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, या नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है हाइपर कंजुगेशन, दूसरे नंबर का। ठीक है, तो अपन बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की। तो हाइपर कंजुगेशन में सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आई थिंक मैं आपको पहले एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, हो सकता है मेरे माइंड में से निकल गई हो। तो आपको पहले ये पता रहना जरूरी है कि कार्बन की डिग्री क्या होती है और कार्बन पे किस टाइप के हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं, या किसको अपन अल्फा कार्बन बोलेंगे, किसको बीटा कार्बन बोलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फिर अपन इसके डेफिनेशन पे और इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, CH3, ये इधर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर CH3 है, ये कोई एक कंपाउंड लिया मैंने। ठीक है, अब इस कंपाउंड में आपको यही चेक करना है कि कौन सा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैं फर्स्ट कार्बन की बात करता हूं, इस वाले की, ये इधर एक कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी ये होगा 1 डिग्री कार्बन। क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन, ये वाला। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, इस कार्बन की, तो ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन होगा 4 डिग्री। इस कार्बन की करूं बात तो ये भी होगा 4 डिग्री। इस कार्बन की मैं बात करूं, 3 से जुड़ा हुआ तो ये होगा 3 डिग्री, ये 2 से जुड़ा हुआ है तो ये होगा 2 डिग्री, ये 1 से जुड़ा हुआ तो ये होगा 1 डिग्री। आई बात समझ में? ये अपन बात कर लिए इनकी डिग्री की। अब डिग्री के अलावा मैं एक और कॉन्सेप्ट की बात करूंगा आपसे कि अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन आप किसे बोलोगे। ये तो सिंपल सा है, और एक चीज याद रख लेना, जितने डिग्री कार्बन का होगा उतने ही डिग्री हाइड्रोजन के होंगे। यानी 1 डिग्री कार्बन जिसको आप डेजिग्नेशन दे रखे हो, उस पे जो हाइड्रोजन जुड़ी रहेगी उसका डिग्री भी वही होगा। कार्बन फर्स्ट है ना, ये 1 डिग्री है, तो इसके हाइड्रोजन भी क्या होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट मैं कंपाउंड लेता हूं जिसमें आपको अल्फा बीटा के बारे में अपन आइडिया देंगे आपको ना। तो आप देख लीजिए CH2, CH3, CH2। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल हो सकता है, या कोई सा भी ग्रुप इससे अटैच रह सकता है। ये चीज याद रखना, इनके रेफरेंस में ही अपन अल्फा बीटा गामा डिसाइड करेंगे। इनका होना जरूरी है, या तो प्लस चार्ज होगा या माइनस होगा, या फ्री रेडिकल होगा, या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इस कार्बन के जस्ट पास वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन। ध्यान से सुनना, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, फ्री रेडिकल या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ, उसके जस्ट पास वाला, यह है जस्ट नियर, डायरेक्टली अटैच, वो होगा अल्फा। और उस अल्फा से जितने कार्बन जुड़े रहेंगे डायरेक्ट, वो होंगे बीटा। इधर वाला भी बीटा कार्बन होगा, और बीटा से जो कार्बन जुड़े हुए रहेंगे वो होंगे गामा कार्बन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, यानी ये चलता जाएगा। गामा के बाद में आएगा तो उसको ओमेगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फिर ओमेगा। ऐसे ही अपन यहां पे जिस कार्बन पे अपन ने अल्फा डेजिग्नेशन दिया है, उस पे जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बीटा वाले को क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन यानी बीटा कार्बन पे जितनी हाइड्रोजन रहेगी, बीटा कार्बन, गामा, बीटा हाइड्रोजन और गामा पे जितनी जुड़ी रहेगी उसको गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। यानी आपको कुछ नहीं देखना, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, नेगेटिव या फिर क्या बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल या कोई सा भी ग्रुप अगर उस पर अटैच है,
तो उसके जस्ट निकट वाला जो कार्बन होगा उसको बोलेंगे अल्फा, उस पर हाइड्रोजन रहेगी तो उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, उसके अल्फा वाले के जो भी कार्बन अटैच रहेगा उसको बोलेंगे बीटा, जस्ट निकट वाले, इसको काउंट नहीं करना है उसमें, नहीं इसको तो आपने रेफरेंस माना है, इसको आप इस कार्बन अल्फा कार्बन के लिए आप इस वाले को बीटा नहीं मान सकते, आई बात समझ में, क्योंकि आपने इसको रेफरेंस मान के ही तो अल्फा दिया, उसको बीटा कैसे मान सकते हो आप, तो आपको उसको छोड़ के मानना है। तो इस अल्फा पे बीटा डायरेक्टली अटैच है, इधर बीटा है, तो बीटा कार्बन पे जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाएगी, बीटा हाइड्रोजन। तो आपको ये चीज समझनी है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में अपने ये काम में आएगी और आगे भी काम में आएगी, कई जगह मैं बोलूंगा इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, वो चीजें काम में आनी है। ऐसा का ऐसा एल्कीन के ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे ये एल्कीन है, ऐसे ही मैंने यहां पे एक एल्कीन ली है, देखिए स्टूडेंट एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर लेना है, किसके रेफरेंस के रूप में, ये रेफरेंस है अपना, ये रेफरेंस है और इस वाले में ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस के जस्ट साइड में जितने कार्बन जुड़े रहेंगे वो अल्फा कार्बन होंगे और उन अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ी रहेगी वो उसकी अल्फा हाइड्रोजन होगी, इस पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, नॉट अटैच्ड कार्बन एटम। इस वाले जो मैंने सर्कल में जो कार्बन मोइटी ली है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली मोइटी ली है, इसके डायरेक्टली कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा अल्फा कार्बन जीरो है। जब अल्फा कार्बन ही जीरो होता है हाइड्रोजन भी क्या होंगे, जीरो होंगे, ऑब्वियस बात है, कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आएंगे उस पे? कार्बन हो हाइड्रोजन नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन का कोई सवाल नहीं है। इधर देखो इन हाइड्रोजनों को काउंट नहीं करना आपको, ये वाली काउंट नहीं होगी, ये इस मोइटी से तो अटैच डायरेक्ट, ये कार्बन या हाइड्रोजन तब काउंट होंगे जब ये किसी कार्बन से अटैच होंगे, इस मोइटी के बाहर कोई कार्बन होगा। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, यहां पे देखो इस मोइटी के बाहर दो कार्बन है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको भी बोलेंगे अल्फा कार्बन, डायरेक्टली अटैच है ये, इनको अल्फा बोलेंगे। तो इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले पे भी कितने हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। फिर इधर आ जाओ आप, इसमें देखो तीन अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, तीन अल्फा हाइड्रोजन यहां पे और तीन अल्फा हाइड्रोजन यहां पे। इस मोइटी के जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है नियर फर्स्ट वाले, वो सारे के सारे अल्फा होंगे, उसके बाद वाला बीटा होगा। जैसे देखो CH2 CH3 CH3 HH, ये मोइटी है अपनी, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन क्योंकि डायरेक्टली अटैच है, इसके जस्ट बाद वाला ये होगा बीटा कार्बन। तो यहां अल्फा कार्बन पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, इधर देखते हो आप तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहां देखते हो तो तीन बीटा हाइड्रोजन है। तो आपको मैंने ये जो चीज समझाई है आपको समझ में आई होगी, इसको एक बार ढंग से पढ़ना, आपको कुछ नहीं करना है, डिग्री कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया एक बार और मैं यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ। डिग्री आपको वहाँ इस तरीके से चेक करनी है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई सा भी कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री हो जाती है। उसके बाद आपको अल्फा बीटा कैसे चेक करना है, किसी कार्बन पे प्लस माइनस या उस पर फ्री रेडिकल या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसको रेफरेंस मानना है, उसके जस्ट नियर बाय वाला अल्फा होगा, उस अल्फा से जो भी नियर बाय अटैच होगा वो बीटा होंगे, उस बीटा से जो अटैच रहेगा वो उसका गामा होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये। फिर अपन एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन पे आपको चेक करना है कि एल्कीन मोइटी के बाहर डायरेक्ट कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसका अल्फा होगा और उस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन जुड़ी हुई रहेगी, आई बात समझ में। अल्फा अगर किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ तो वो बीटा कार्बन बन जाएगा। तो मैंने यहाँ तीन एग्जाम्पल ले लिए हैं, आप इनको ढंग से देख लेना किन किन को मैंने कैसे क्लासीफाई किया। अब अपन चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, तो एक्सप्लेनेशन से पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। इट इज ए जनरल स्टेबलाइजिंग इंट्रेक्शन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, एक जनरल स्टेबलाइजेशन की इंट्रेक्शन है, इससे स्टेबलाइजेशन आता है, ये तो अपन को पता चल गया, अपन चेक करेंगे कि कैसे आता है।
इट इन्वॉल्व डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एच बॉन्ड ऑफ एनी एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम विद एन अनसेचुरेटेड सिस्टम और वैकेंट पी ऑर्बिटल। यानी इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन हाइड्रोजन के हैं उनका डीलोकलाइजेशन होगा, और कब होगा डीलोकलाइजेशन, जब वो किसी अनसेचुरेटेड सिस्टम या वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो अपन चेक करते हैं वो कैसे हैं, आपको अच्छे से समझ में तब आएगा जब मैं कोई एग्जांपल लूंगा। तो एग्जांपल अपन सबसे पहले लेते हैं ये सी एच एच, सबसे पहले लेता हूं मैं वैकेंट पी ऑर्बिटल का। इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रखा है, इधर मैंने लिया है ये H और 3D रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया है ना आपको, 3D रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया है कि कार्बन पे आप दो बॉन्ड एक प्लेन में रखोगे और दो बॉन्ड को आउट ऑफ दी प्लेन और एक को इन दी प्लेन, यानी एक प्लेन के अंदर रहेगा एक प्लेन के बाहर रहेगा, दो जो बॉन्ड है वो प्लेन में रहेंगे। तो ये वाला और ये वाला दोनों एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये क्या है वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब देखिए आप इनमें इंट्रैक्शन कैसे होती है, तो आपने MOT में पढ़ा होगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूं मैं, आपने केमिकल बॉन्डिंग में MOT पढ़ी है, आपने ये भी देखा है कि अगर कोई सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार बनता है, अगर कोई पाई बॉन्ड बनता है तो उसका एंटी बॉन्डिंग क्या बनता है, पाई स्टार बनता है। ये चीज आपको याद है तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, फिर ये आपके आगे काम में आएगी। इसलिए मैंने आपको बताया है कि MOT में सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई बनता है तो पाई स्टार बॉन्डिंग। अभी जस्ट आगे अपन एल्किन पढ़ेंगे उसमें काम में आएगी। अभी देखिए आप ये बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड बना हुआ है तो मैं इस बॉन्ड की लोब को ऐसे दिखा देता हूं, मैंने ऑर्बिटल को ही दिखा दिया है, अब बॉन्ड को आप भूल जाओ, आपको ऑर्बिटल की लोब दिखा दी मैंने। तो ये इसकी एक साइड की लोब है जिसको अपन बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं अपन इसको, सिग्मा बॉन्ड। और इधर मैं पी ऑर्बिटल की लोब, ये पी ऑर्बिटल की लोब, तो ये ऊपर की जो लोब है इस पी ऑर्बिटल के साथ इंट्रैक्शन करती है, ये क्या करती है इसके साथ इंट्रैक्शन करती है, और नीचे वाली लोब क्या करती है इसके साथ इंट्रैक्शन करती है, नीचे वाली लोब इसके साथ इंट्रैक्शन करती है। यानी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यानी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है मतलब यहां क्या है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, ये ट्रांसफर कर देता है, यानी डीलोकलाइजेशन कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर देता है इसको। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है इस पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है। जब इस पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये कार्बन यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि सिग्मा तो बन रखा है ऑलरेडी, एक सिग्मा बन रखा है, उसी एक्सिस पे दूसरा सिग्मा थोड़ी बनेगा, अब तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ये हो जाएगा, अब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जो हाइड्रोजन हटा था वो H प्लस के रूप में रह जाएगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं किया मैंने, सिग्मा बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड का पी ऑर्बिटल के साथ मैंने डीलोकलाइजेशन कर दिया है, जो अपन ने डेफिनेशन में देखा था। देखिए डेफिनेशन क्या थी, इट इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एच बॉन्ड ऑफ एनी अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम विद एन अनसेचुरेटेड सिस्टम और वैकेंट पी ऑर्बिटल। मैंने आपको वैकेंट पी ऑर्बिटल वाला समझाया, अभी अनसेचुरेटेड वाला बाद में समझाऊंगा। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ कैसे डीलोकलाइजेशन में रहता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, ये हाइड्रोजन का काम खत्म हुआ, ये भी तो डीलोकलाइजेशन में जा सकता है, तो जब ये जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर में लिख देता हूं, इसकी स्ट्रक्चर में लिख देता हूं, जब ये जाता है तो ये H प्लस के रूप में, ये भी तो जा सकता है, ये जा सकता है तो इसकी भी मैं लिख देता हूं, तो इसके अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली इसकी मैं लिख दिया ये H प्लस।
तो आप देख सकते हो इसमें टोटल कितनी स्ट्रक्चर हो गई। टोटल स्ट्रक्चर देखो आप, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यानी आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कितनी जगह घुमा दिया है, चार जगह घुमा दिया है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा घूमती है सिस्टम में उतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन आती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा घूमेगी वो न्यूक्लियस के साथ उतनी ही ज्यादा अट्रैक्ट होगी। ध्यान से सुनना, किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा घूमती है इसका मतलब यह है कि वो मोर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील करती है, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस। भाई कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पड़ी हुई है, वो एक ही न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रखी है। अगर मैं उसको घुमा देता हूं किसी मॉलिक्यूल में चारों तरफ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील करेगी, तो ओवरऑल अट्रैक्शन वो ज्यादा आएगा वहां पे। तो कुल मिला के बात ये है कि जहां पे जितना ज्यादा आपके पास स्ट्रक्चर बनेंगे वहां पे उतना ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन आएगा। तो जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन, जितनी ज्यादा डिलोकलाइजेशन उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना ज्यादा घुमाओगे स्टेबलाइजेशन उतना ही ज्यादा आएगा। मैं यहां लिख देता हूं, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी इज मोर देन स्टेबलाइजेशन इज ऑल्सो मोर। तो आप देख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहां कार्बोकेटाइन की बात करें, वेकेंट पी ऑर्बिटल उसी में रहेगा, या फिर अपन बात करेंगे लास्ट में जहां पे फ्री रेडिकल रहेगा उसमें। तो अभी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रक्चर आएगी। याद करो आप, अल्फा हाइड्रोजन के डिलोकलाइजेशन से ही स्ट्रक्चर बन रही है। तीन अल्फा हाइड्रोजन थे तो तीन नई स्ट्रक्चर बन के आई है, छह अल्फा हाइड्रोजन होते तो छह स्ट्रक्चर बन के आती, नौ अल्फा हाइड्रोजन होते तो नौ स्ट्रक्चर बन के आती। तो जहां जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगी उसमें स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, इससे आप स्टेबिलिटी किसकी निकाल लोगे, कार्बोकेटाइन की निकाल लोगे। तो मैं यहां पे आगे चेक कर देता हूं और आपको सारी चीजें देखिए आप। नेक्स्ट यहां पे देखो, इसी में देख लो आप, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर वो होगी वन प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मैंने आपको बोला था कि मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूं कि इसमें ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है। देखो, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में एक जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है एक? क्योंकि एक स्ट्रक्चर तो आपकी इनिशियल में पहले से ही थी ना, ये वाली, ये तो पहले से ही थी, ये वन लिख दी मैंने। फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने बताया था कि किसी कार्बन पे अगर कोई डायरेक्टली ग्रुप जुड़ा हुआ तो वो होता है अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है। तो इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वन टू थ्री, तीन अल्फा हाइड्रोजन। तीन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से तीन नई स्ट्रक्चर बन के आई है, एक खुद स्ट्रक्चर वो है, तो टोटल कितनी हो गई, चार। तो आप देख सकते हो इसके लिए आप अल्फा हाइड्रोजन भी रख के देख सकते हो, वन प्लस थ्री कितनी आ रही है, चार स्ट्रक्चर आ रही है। तो मैंने चार पहले लिख दिए, एक दो तीन चार। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आप कैसे निकालोगे, वन प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जोड़ना। और नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें जिसकी ज्यादा आएगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लीजिए स्टेबिलिटी के लिए, देखिए सी एस थ्री। अभी आप देखना इंडक्टिव इफेक्ट से जो अपन चीज समझे थे वो हाइपर कॉन्जुकेशन पे भी बिल्कुल सही निकल के आएगी। आप चेक कर लीजिएगा CH3 H ये प्लस CH3 CH2 ये प्लस CH3 प्लस। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री,
ये 0 डिग्री। मैंने बताया आपको कि अल्फा कार्बन से, सॉरी अल्फा जो होंगे वो अपने पॉजिटिव चार्ज से डिसाइड होंगे। इस पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, इसके जस्ट पास वाले होंगे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा पे जुड़ी हुई हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, कितनी हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे कितनी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे कितनी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितनी हो गई, 9 अल्फा हाइड्रोजन टोटल। इधर देखो आप, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखो आप, अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इधर कितनी हो गई, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे कुछ नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने अभी बताया आपको कि स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे उस कार्बन की स्टेबिलाईजेशन उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर उतनी बनेगी, और स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा बनेगी उसमें डेंसिटी उतनी ही घूमेगी, डेंसिटी जितनी ज्यादा घूमेगी वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगी, और जहां ज्यादा अट्रैक्शन फील करती है वो उसी पथ पे जाना चाहेगी, यानी स्टेबलाइजेशन उसको मिल रहा है। तो आप देख सकते हो 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 3 डिग्री का स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, सबसे कम 0 डिग्री वाले का। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपने इंडक्टिव इफेक्ट में भी यही निकाला है, आप चेक कर लीजिए जाके, आपने जो नोट्स बनाए हैं ना उनमें आप देखिए, आपने इंडक्टिव इफेक्ट में भी यही निकाला है। और ये कार्बोकेटाइन का स्टेबलाइजेशन का ऑर्डर हाइपर कंजुकेशन से भी बिल्कुल सही आ रहा है, आई बात समझ में। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबलाइजेशन आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, CH3, CH, CH3, CH2 पॉजिटिव, CH3, CH3, CH3 पॉजिटिव, CH3, CH, CH3 पॉजिटिव। आप इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, इस कार्बन से डिसाइड करना है आपको कि अल्फा वाला कौन सा होगा। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, जस्ट नियर जो जुड़े हुए हैं अल्फा कार्बन, इसमें नियर एक ही जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन देखो कितनी है उस पर, अल्फा हाइड्रोजन। ये वाले तो बीटा कार्बन है, जिससे अपन को कोई मतलब नहीं है, बीटा का कोई लेना देना नहीं है, इनको काउंट नहीं करना है, सिर्फ अपन को अल्फा से मतलब है। इधर देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 3 3 कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने हो गए, 1 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हो सबसे ज्यादा किस में है, मैं यहाँ दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी, इसको दे देता हूँ सी। आप देख सकते हो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, उसके बाद इसमें है, उसके बाद सबसे कम, ज्यादा वाले को पहले लिख दो आप, क्योंकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही आएगा। तो स्टेबिलिटी क्या आएगी, बी वाले की ज्यादा आएगी, उससे कम सी वाले की आएगी, और सबसे कम ए वाले की आएगी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना और कुछ नहीं करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकल जाएगा आपका, आई बात समझ में। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, फिर चलते हैं अपन एल्कीन वाले पे। ये मैंने 3 अलग अलग कंपाउंड लिए हैं जिन पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा वाला अल्फा है, कौन सा वाला बीटा है, कौन सा वाला क्या है, ठीक है, और अपन को किससे मतलब है। इस कार्बन से देखो, जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रखा है ये वाला, इसके जस्ट इधर अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, इस पॉजिटिव के जस्ट ये वाला अल्फा कार्बन, इस पॉजिटिव के जस्ट इधर साइड में अल्फा कार्बन, ये भी साइड में अल्फा कार्बन, ये जो डायरेक्टली अटैच है वो चाहिए अपन को।
इस अल्फा कार्बन पे आप देखना है यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़े वो हिडन है। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन किन फॉर्मूलों के में रूप में लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था कंडेंस फॉर्मूला, डैश फॉर्मूला, लाइन फॉर्मूला, सब बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इधर दो अल्फा हाइड्रो दो सॉरी दो अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, इधर भी कितने हैं दो अल्फा कार्बन। आप इसको खोल के लिख लेना, मैं लिख के बता देता हूँ। चलो आपको एक सी एच, एक सेकेंड मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये सी है सी एच टू 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 सी एच थ्री, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। तो आप देखिए इधर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस पर तो आपको तीन अल्फा हाइड्रोजन साफ दिख रहे हैं, इस पर ये दो ये रहे दो, ये हिडन थे, ठीक है, कि दो अल्फा हाइड्रोजन, इधर दो अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही मैं बात करूं इधर, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगी। इधर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इधर कितनी है दो अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी दो होती, अगर सी एच थ्री नहीं होता तो दो अल्फा हाइड्रोजन हो जाती। तो टोटल इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितनी एक अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितनी दो यहाँ पे और तीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कितनी हो गई तीन और दो पांच, पांच और दो सात अल्फा हाइड्रोजन। तो आप स्टेबिलिटी निकाल सकते हो, स्टेबिलिटी निकाल सकते हो, किसकी ज्यादा आएगी, ए वाले की ज्यादा आएगी, उससे कम सी की और उससे कम बी की, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। आई बात समझ में, तो ये आप निकाल सकते हो आराम से। अब मैं बात करता हूं किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्किन, कार्बोकेटाइन में हो गया। अब बात करते हैं अपन सेकंड अल्कीन में, हाइपर एच सी मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। देखो इधर सी डबल बॉन्ड सी सी एच, मैंने आपको बताया था कि इस मोइटी के साइड में चेक करना आपको कि अल्फा कार्बन कहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो इधर ये जो है ये है अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हैं वो क्या है, ये है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पाई बॉन्ड को बना रहा हूँ, इस पाई बॉन्ड को ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि आपने एमओटी पढ़ी है, एमओटी पढ़ी है तो आपने पाई बॉन्ड भी पढ़ा होगा, पाई पढ़ा है तो उससे पाई स्टार भी देखा होगा। तो यहाँ पे यही है, जो पाई स्टार है ये होता है वेकेंट ऑर्बिटल की तरह, किसकी तरह, वेकेंट ऑर्बिटल की तरह। एंटी बॉन्डिंग है ना, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो बॉन्ड टूट जाता है। तो यहाँ पे ये पाई स्टार मैंने लिख दिया है, ये क्या है इसका एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्या करता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों, ये इलेक्ट्रॉन ये इस एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट कर देता है, क्या करता है एंटी बॉन्डिंग में, जिससे ये पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आई बात समझ में, वो कैसे, देखिए आप ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी पांच, तो मजबूरन इस एंटी बॉन्डिंग को टूटना होगा और इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाएंगे। तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, देखो स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी आपके पास, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी, इधर एच, इधर एच, और इधर एच पहले से ही जुड़ा हुआ था, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर एच बेचारा एच प्लस की फॉर्म में पड़ा रह जाएगा, सेम उसके जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है दूसरी जगह और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किधर चलना है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर चलना है। यहाँ से बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते कार्बन की वैलेंसी पांच हो रही थी, लेकिन फिर ये क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इधर, क्योंकि कार्बन की पांच वैलेंसी नहीं रहेगी। ये मैंने सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन के साथ लिया है, ऐसे इसके साथ भी होगा, ऐसा इसके साथ भी होगा, तो इसकी कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी बनेगी जैसे सी एच थ्री में बन रही थी, तो वो बन जाएगी
ये देखो आप, और एक स्ट्रक्चर किधर बना दूं मैं, इधर की साइड बना देता हूं, वो इस वाले हाइड्रोजन से बनेगी। तो एक स्ट्रक्चर तो खुद ही है, एक यहां पे बन गए सेकंड, एक यहां पे बन गए थर्ड, एक यहां पे बन गई फोर्थ। तो इसकी चार स्ट्रक्चर बन गई, कितनी बन गई इसकी, चार स्ट्रक्चर। वही सेम कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अल्फा हाइड्रोजन के, या मैं बात कर सकता हूं नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप देख लो। और स्ट्रक्चर वही जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कार्बोकेटाइन वाले में, सेम उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन आपको कैसे काउंट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये A दे देता हूं, इसको B दे देता हूं, इसको मैं C दे देता हूं। ठीक है, अब देखिए आप, ये पूरी की पूरी मोइटी यहां पे है, इस पे अल्फा कार्बन क्या है, जीरो। जब अल्फा कार्बन जीरो हो गए तो क्या अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं, नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं है। इस मोइटी के बाहर देखिए आप कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक अल्फा कार्बन है, उस पे कितने हाइड्रोजन है, उस पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है। इस मोइटी के बाहर आप देखिए कितने अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन इधर है, एक अल्फा कार्बन इधर है, इस पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे भी कितने हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए, छह अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो आप देख लीजिए जिसमें ज्यादा कार्बन, सॉरी जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस में ज्यादा है, सी में ज्यादा, तो सी के स्टेबिलाइजेशन ज्यादा आएगा, उससे कम बी में है और सबसे कम ए में। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया इसका, किसका है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट मैं एग्जांपल और लेता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CH3, और मैं ले लेता हूँ एक सी डबल बॉन्ड CCH3CH3CH3CH3। देखिए आप पहले मोइटी सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आपको जाना है अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन पे। ये मोइटी सेलेक्ट कर ली, इधर तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन। ये मोइटी सेलेक्ट कर ली आपने, इधर कितने हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन। मोइटी सेलेक्ट कर लिया आपने, इधर तीन अल्फा हाइड्रोजन, इधर तीन अल्फा हाइड्रोजन, इधर तीन अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी तीन अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए, तीन और तीन छः, छः और छः 12 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन, इधर कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ। तो आप देख लीजिए स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा सी का सबसे ज्यादा, उससे कम बी का और उससे कम ए का। तो ये इसके स्टेबलाइजेशन का ऑर्डर है। ठीक है, यहां पे एक सेकंड में स्लाइड ऐड कर देता हूं। वन सेकंड, हाँ, अब देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये वाला
यहां एक टर्म काम में लूंगा मैं, सिस और ट्रांस। तो सिस और ट्रांस कुछ नहीं है, इस मोइटी के रेफरेंस में दिया हुआ है, ये वाली मोइटी है ना जो अपन मान रहे थे। इस मोइटी में अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस होगा, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है तो वो क्या होगा, उसका ट्रांस होगा। तो देखिए इधर ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड है तो इसके लिए सिस वर्ड काम में लिया जाता है। तो ये सिस एल्कीन है, कौन सी है, सिस एल्कीन। यहां पे देखो ऑपोजिट साइड से जो सेम ग्रुप है वो किधर है, ऑपोजिट साइड, सेम ग्रुप प्रेजेंट इन ऑपोजिट साइड, इसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे ट्रांस। अब आपको कुछ चेक नहीं करना है, आपको ये देखना है इसमें कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो आप इस मोइटी के साइड में देखिए, इसमें अल्फा कार्बन आपको दिख रहा है, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा, कितने हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन। इधर चेक करो अल्फा कार्बन, ये रहा, तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। इधर चेक करो अल्फा कार्बन, ये रहा, तीन अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां पे तो आपने देख लिया है कि दोनों साइड कितने अल्फा हाइड्रोजन है, छह अल्फा हाइड्रोजन। अब रिजल्ट कैसे डिसाइड करोगे, तो रिजल्ट डिसाइड करने के लिए यहां पे आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, नया एक कॉन्सेप्ट यहां पे अपन को बिल्ड करना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन या स्टेरिक रिपल्सन। होता इलेक्ट्रॉनों की वजह से है, लेकिन बल्कियर ग्रुपों में वो होता है, बल्कियर जो बड़े ग्रुप होंगे उनमें वो होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ही होता है वो, जिसको आप स्टेरिक रिपल्सन बोलोगे यहां पे। आई बात समझ में, तो मैं यहां पे ये देखो इधर ये जो दोनों ग्रुप है ये यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेरिक रिपल्सन प्रेजेंट। अगर स्टेरिक रिपल्सन इसमें प्रेजेंट रहेगा तो रिपल्सन से सिस्टम क्या होता है, किसकी तरफ जाता है, डिस्टेबलाइजेशन की तरफ। तो मैं लिख देता हूं टेंड्स डिस्टेबलाइजेशन, यानी ये वाली एल्कीन इस रिपल्सन की वजह से किस ओर जा रही है, डिस्टेबलाइजेशन की ओर जा रही है। तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा, ट्रांस वाला होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया कि दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड है, यहां रिपल्सन नहीं होगा, यहां मिनिमम रिपल्सन है, मिनिमम रिपल्सन। अल्फा हाइड्रोजन दोनों में बराबर है, लेकिन ट्रांस वाली में रिपल्सन मिनिमम होता है क्योंकि दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड रहते हैं। सिस वाली में दोनों ग्रुप एक साइड रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें रिपल्सन होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा ट्रांस ज्यादा होगी किससे, सिस से, इसके स्टेबलाइजेशन का ऑर्डर होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जांपल की, तो वो है ये कुछ एल्कीन लिए मैंने, अब आपको चेक करना है कि इस मोइटी के पास में कौन सा कार्बन है। तो मैं यहां दे देता हूं अल्फा कार्बन, इधर दे देता हूं अल्फा कार्बन, इस वाली मोइटी के चारों तरफ देखना है, इधर अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, इस वाली मोइटी पे चेक करना है आपको। तो आप देख सकते हो इधर अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, यही होगा। अब देखिए यहां अल्फा कार्बन है, तो इस जगह पे देखो आप दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इस जगह पे क्या होंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन। मैंने एक एग्जांपल पहले समझा दिया है उस स्ट्रक्चर को खोल के, तो इधर भी कितने होंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन, इधर होंगे दो अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी होंगे दो अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी होंगे इस कार्बन पे दो अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पे दो अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि एक पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इस वाले पे दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इस वाले पे भी दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। आप काउंट कर लेना, स्ट्रक्चर को खोल के देख लेना,
मैंने सही लिखे हैं, यहाँ पे दो ही होगा, यहाँ पे एक होगा और इधर दो होगा, आप देख लेना खोल के। यहाँ टोटल कितने हो गए? चार अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने हो गए? दो दो चार, दो छः, दो और आठ। इधर कितने हो गए? एक यहाँ पे, दो और दो चार, पांच अल्फा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा किस में आ रहे हैं? मैं इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ। तो बी का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा आएगा, उससे कम सी का होगा, सबसे कम ए का होगा। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड, अल्कीन से रिलेटेड ही है क्वेश्चन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसे बोलते हैं? अपन एल्किन से रिलेटेड ही है, एल्किन के लिए ही पूछा जाता है। किस एल्किन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो कुछ नहीं है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब मैं समझा देता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल सा है। पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजिनेशन किसे बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। और हाइड्रोजिनेशन के दौरान, ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन, वहां से सिस्टम से हीट निकलती है और उस हीट को ही अपन क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो यहां से देखो, ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो हीट तो बाहर निकलेगी। उसी हीट को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब आपको यही चेक करना है कि किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा निकलेगी, किसमें कम निकलेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो आराम से कि जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो इस H2 के साथ रिएक्ट क्यों करना चाहेगी? वो नहीं करेगी रिएक्ट। अरे सिस्टम में स्टेबिलिटी कब आती है? स्टेबिलिटी जब सिस्टम में आ रही है तो वो उसके साथ डिस्टेबलाइजेशन में क्यों जाना चाहेगा, आप ही बताओ। कॉमन सेंस ही बात है ना, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो क्यों रिएक्ट करेगा? ऑब्वियस ही बात है, यानी रिएक्ट कौन करेगा? जो कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल यानी जो ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन में जा रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? 1/ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। आप देख सकते हो A, B और C में से स्टेबलाइजेशन किसका आएगा? C का आएगा, उससे कम B का, उससे कम A का। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इधर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 0 अल्फा हाइड्रोजन। आप काउंट कर लेना, स्टेबलाइजेशन का ऑर्डर ये होगा, स्टेबिलिटी। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो H2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, जो एल्कीन उतनी ही कम स्टेबल होगी वो H2 के साथ उतनी ही ज्यादा रिएक्ट करेगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा? A की ज्यादा, B की उससे कम और C की सबसे कम। यानी जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे कम होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसे बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन जब होगा उसके दौरान हीट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आई बात समझ में? ऐसे ही मैं और एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल है। ये ए, ये बी, ये सी। आप देख सकते हो इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप आराम से निकाल सकते हो कि सी की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, उससे कम बी की, उससे कम ए की। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का क्या हो जाएगा? इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ए बी सी।
तो ये था हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का कॉन्सेप्ट। आपको कुछ नहीं करना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन चेक करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का। आप बैक में जो क्वेश्चन अपन ने ये देखे ना, इनमें भी आप हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकाल सकते हो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आप इसमें भी निकाल सकते हो। किसकी ज़्यादा होगी, ए की उससे कम किसकी होगी, सी की उससे कम बी की। ऐसे ही सिस और ट्रांस में भी आप हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकाल सकते हो, सिस की ज़्यादा होगी किससे, ट्रांस से। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। अब मैं बात करता हूं आगे हाइपर कंजुकेशन इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर हाइपर कंजुकेशन कैसे होगा, बस आप इसको समझ लीजिए और एक फ्री रेडिकल का, फिर अपना ये टॉपिक बिल्कुल खत्म है, फिर रेजोनेंस पढ़ेंगे। एक हाइड्रोजन को मैं अलग ले लेता हूं इधर, ठीक है। देखो यहां आपको एक पाई बॉन्ड की मोइटी दिख रही है, इसके जस्ट आपको इधर अल्फा कार्बन दिख रहा है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, यहां अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर देता है, तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने लग जाती है इस वाले की। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के कहाँ आ जाती है, इस पे आ जाती है। सेम उसके जैसा ही है, बस आपको बस मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे कुछ अलग घटनाएं होती है। यहाँ CH2, इधर ये H तो पॉजिटिव के रूप में रह गया, इधर नेगेटिव आ गया, इधर ये A। अब ये डेंसिटी घूमती रहेगी, अब ये तब तक घूमेगी जब तक ये वापस वहां नहीं चली जाती। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो गया, अब ये डेंसिटी यहाँ पे आ गई। आपको हाई से लो की तरफ चलना है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, हाई से लो की तरफ चलना है। इधर ये यहाँ पे वापस शिफ्ट हो गए, और आप देखोगे यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया, ये CH2, यहाँ H पॉजिटिव। अब ये डेंसिटी वापस यहाँ जाएगी और ये वाली डेंसिटी वापस H प्लस के साथ चिपक जाएगी, और ये देखो आप पूरी की पूरी डेंसिटी है वो डी लोकेलाइज हो चुकी है। आप देख लो CH2 और ये H बन गया। आप देखो इस वाली स्ट्रक्चर में और एंड वाली स्ट्रक्चर में देखो पाई बॉन्ड आपस में अल्टरनेट चेंज हो गए हैं। देखो पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ पर पहुँच गया है, यानी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन हुआ। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप चेक करो, मैंने आपको बताया था बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके जस्ट निकट वाली दो पोजीशन ऑर्थो होती है, उससे जस्ट नीचे वाली दो मेटा होती है, और जस्ट सामने वाली पैरा होती है। ये वाली ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो, ये वाली मेटा, ये वाली मेटा, ये वाली पैरा होती है, बताया था मैंने। और आपको मैंने जब ये सारी चीजें वहां समझा दी थी, अब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं यहां पे कि डेंसिटी कहां कहां पे बढ़ी है। देखो ऑर्थो पे बड़ी है, पैरा पे बड़ी है, ऑर्थो पे बड़ी है, मेटा पे कोई रोल नहीं है। तो आप यहां पे लिख लेना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो एंड पैरा। जब मैं इसकी रिएक्शन पढ़ाऊंगा इस टोलुइन की, तब मैं बोलूंगा कि टोलुइन हमेशा ऑर्थो एंड पैरा वाले प्रोडक्ट देती है, मेटा वाले नहीं देती है। मेटा वाले कहां से देगी, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जा रही, वहां से रिएक्शन नहीं करेगी वो। तो और जो टोलुइन है वो कौन से प्रोडक्ट बनाएगी अपने पास, या तो ऑर्थो वाला बनाएगी या पैरा वाला बनाएगी या दोनों बनाएगी, मेटा वाला नहीं बनाएगी। आई बात समझ में, तो बस आपको ये समझाना था। अब एक लास्ट रह गया अपना, लास्ट अपना ये रह गया है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, तो ये भी मैं समझा देता हूं। ये सिमिलर कार्ब केटाइन के जैसे ही है, कंफ्यूजन में नहीं जाना, आपको बस उसके जैसा कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या मैं दे देता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट कर लो, उसके अकॉर्डिंग निकाल लो आप। तो मैं काउंट करवा देता हूं आपको, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर ये 0 अल्फा हाइड्रोजन।
तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा कहाँ पे हैं, 3 डिग्री वाले में, इसको अपन बोल सकते हैं 3 डिग्री, इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री, इसको बोल सकते हैं 1 डिग्री, इसको बोल सकते हैं 0 डिग्री, क्योंकि कार्बन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया अपन ने। तो स्टेबिलिटी 3 वाले की ज्यादा आएगी, उससे कम 2 वाले की, उससे कम 1 वाले की, उससे कम 0 डिग्री वाले की। तो रेडिकल का एज कार्बोकेटाइन के जैसा ही है, बस आपको यही याद रखना है, रेडिकल में 3210 डिग्री ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। अब एक चीज और यहां पे आप इंक्लूड कर लीजिएगा, वो रह गई थी कि हाइपर कॉन्जुगेशन को बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट, या इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, बेकर नाथन साइंटिस्ट ने ही इसको डेवलप किया था, इसको खोजा था, तो उसके नाम पे है। और नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जब ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉनों को दे देता है तो यहां पे देखो कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड, और यहां पे कोई बॉन्ड नहीं है फिर भी रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी उसका बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, कार्ब केटाइन में स्टेबलाइजेशन कैसे आता है वो बता दिया मैंने, उसके बाद अपन ने एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लिया है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देख लिया है, और बेंजीन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो देख लिया, और अपन ने एक रेडिकल वाला एग्जांपल भी देख लिया है कि 3-2-1 उसका ऑर्डर होता है। आई बात समझ में, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इतना ही है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे अपन रेजोनेंस, और उस क्लास में रेजोनेंस को खत्म करके अपन फिर बाद में जाएंगे एक छोटे टॉपिक एरोमेटिसिटी पे और बेसिक नेचर पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।